Mr. Gandhi, you waxed eloquent. राहुल आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने डीजीपी चेंज किया डीजीपी चेंज कर दिया उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने मणिपुर सीएम जब मैं मणिपुर गया मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी जो हिंसा चल रही है क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? राहुल जी एक संसद में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कई सेशन से ऑपोजिशन के एमपीज या तो सस्पेंड हो रहे हैं या डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या सेशन से एक सेशन से ज्यादा ये ऑपोजिशन के एमपीज का जो प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज रूल्स के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है या सस्पेंशन हो रहा है इसका जो ट्रेंड बढ़ रहा है इसको आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? आप देखिए एमपीज को निकालें वापस डालें हमारा काम बदलता नहीं। हमारा लक्ष्य जो मणिपुर में हो रहा है उसको रुकवाने का है। जो भी औजार हमारे हाथों में है उस हिंसा को रुकवाने के लिए उनका हम प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे। Mr. Gandhi, you talked about using the army, deploying the army to control violence. You spoke that in parliament. You've repeated here. But the BJP has criticized you and even previous Congress government saying that we want to solve the issue through dialogue. And they've criticized that in the 60s, in 64, the Mizo National Famine Front was bombed by the Indian Army, by the Indian Air Force. So they said that, you know, they do not believe in... I have never heard... In my entire career, I have never been told anywhere I have been in India that if you take this person as a security officer with you, we will put a bullet in his head. I have never heard it. And I heard it twice in Manipur. That means there is no dialogue in Manipur. There is pure violence taking place in Manipur. The first step is to stop the violence, put an end to it. I point out the army, but what I mean is that the Prime Minister has multiple instruments in his hands. He's not using them. It's been burning for 4 months. He's doing nothing and he's laughing. I'm amazed people can't see this, that he's sitting in Parliament and laughing. Last question. जयराम जी मोहित दुबे हूँ न्यूज नेशन से। आपने 37 मिनट का भाषण जयराम जी राहुल जी नहीं मतलब आप मुझसे जयराम कर रहे हैं या उनसे राहुल जी जय सियाराम। राहुल जी आपने 37 मिनट का भाषण लोकसभा के भीतर दिया और 37 मिनट में सिर्फ आपको करीब 14 मिनट ही दिखाया गया बाकी आपके चेहरे पे कैमरा नहीं था और आप मणिपुर गए मैक्सिमम टाइम आपने मणिपुर के ऊपर बोला। इस परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं तो पता नहीं क्या है बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूं मगर मुझे अपना काम करना है मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा
वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। हाँ ओके, लास्ट क्वेश्चन ब्रदर। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड व्हाट इट हैज इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एज वेल एज नाउ यू नो यू आर आस्किंग फॉर द आर्मी। Do you believe that Article 356 is the only way out? I'm not asking for anything. Please don't misunderstand. It is not my place to decide which tool the Prime Minister can use, which instrument he should use. I am pointing out that there are multiple instruments that the Prime Minister has at his disposal, and he is not using a single one. I'm pointing out that Manipur has been burning now for 4 months, and the Prime Minister is in a very good mood. He's sitting in Parliament, he's laughing, he's joking, his entire cabinet is in giggles. This to me seems completely insane.